Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख भी लिया होगा कि पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे मैं हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसकी वेबसाइट है psttet.net। यहाँ पे आपको जाना होगा और किस प्रकार से आपको रिजल्ट देखना, कैसे आपको डाउनलोड करना, मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको इस प्रकार की विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 और इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इस प्रकार की यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी और वो है कैंडिडेट्स क्वेरी पोर्टल। और यदि आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो ऊपर भी आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट्स क्वेरी पोर्टल है, आप किसी पे भी चले जाएं, बात एक ही है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चीज़ और आएगी, वो आएगा इस प्रकार का नोटिस। और ये नोटिस क्या कहता है, इसके अंदर ये चीज़ बता रखी है कि ये पीसेट 2018 के कैंडिडेट्स हैं और ये अपने ऑब्जेक्शन, यानी कि यदि आंसर के में आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, यानी कि आप बोर्ड से यदि सहमत नहीं है तो आप अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये कब तक आप क्रिएट कर सकते हैं, 3 फरवरी 2020 तक और शाम के 3 बजे तक। ये आप याद रखें, 3 फरवरी 2020 और शाम के 3 बजे तक। लिंक क्या है, www.psttet.net और ये वेबसाइट अंडर कैंडिडेट क्वेरी पोर्टल लिंक, जो मैं आपको क्वेरी पोर्टल लिंक वहाँ पे दिखा रहा था, ये वही क्वेरी पोर्टल लिंक है। और जैसे ही आप इस क्वेरी पोर्टल लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है, उसके बाद में आप अपना पासवर्ड डालना और जैसे ही आप इसमें फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने नई विंडो आएगी जिसमें आपका रिजल्ट होगा और वहीं पे आप अपनी क्वेरी का पोर्टल डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आपका ऑब्जेक्शन बनता है तो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अपना रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ यूपी के बारे में। और यदि हम यूपी की साइट पे जाएं, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है updelead.gov.in, ये है URL या फिर वेबसाइट का एड्रेस आप कह सकते हैं। और इसके ऊपर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस प्रकार की विंडो है आपके सामने, परंतु आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल जरूर करना पड़ेगा। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देंगे, जैसे यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर एडमिशन प्रोसेस है, परंतु आपको जाना होगा यहाँ पे। और ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़। और ये क्या है, इसके अंदर दो चीजें दे रखी हैं, फाइनल आंसर की अपर प्राइमरी लेवल यूपी टेट 2019 और उसके बाद में दूसरा है फाइनल आंसर की प्राइमरी लेवल यूपी टेट 2019। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक डाउनलोड की फाइल आ जाएगी और उस डाउनलोड की फाइल में आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। ये है आंसर की, आप याद रखें इसका रिजल्ट इसी में शामिल हो जाता है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो चलिए आपको आंसर की भी मैं दिखा देता हूं, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है और उसको आपके सामने लेके आया हूं इस प्रकार से। ये थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब यहां पे देखिए इस प्रकार से हमारे सामने है और कंप्लीट ये आपको दिखाई दे रही है। यहां पे आप ऊपर देखेंगे तो ये यूपी टेट 2019 रिवाइज फाइनल आंसर की डेटेड 31/1/2020 यानी कि आज ही आई है, तो ये आपके सामने इस प्रकार है। और ये आंसर के इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मैं इसको स्क्रॉल करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 तारीख के साइन हो रखे हैं और ये इस प्रकार आपको सभी सब्जेक्ट की आंसर की यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये है कंप्लीट इसके बारे में, परंतु आप ये याद रखें ये क्या है, रिवाइज्ड एंड फाइनल आंसर की, और ये किसके लिए है, अपर प्राइमरी के लिए। परंतु आप पूछेंगे कि प्राइमरी के लिए कौन सी है, तो ये दूसरी लिस्ट है, ये भी मैंने डाउनलोड पहले ही कर रखी है। ये आप देखिए, ये है किसकी, जो फाइनल आंसर की है प्राइमरी लेवल की, ये भी इसी प्रकार है। इसको हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये सारे के सारे साइन यहाँ पे 30 तारीख के और रखे हैं, यानी कि 31 तारीख को हमारे सामने ये पेश हुई है। तो ये इस प्रकार से आपकी प्राइमरी लेवल की आंसर की है। और जैसा भी आप इसके अंदर देखना चाहते हैं अपना मैच कर सकते हैं, जैसे 68 क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देखिए इसके दो आंसर हैं, यानी जिसने पहला आंसर दिया वो भी ठीक है संस्कृत में और जिसने फोर्थ आंसर दिया वो भी यहाँ पे सही है। परंतु इस पैटर्न के हिसाब से यदि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ज़्यादा आंसर कौन से ठीक है, मुझे लगा कि ये 4 नंबर वाले ज़्यादा आंसर ठीक हैं पूरे इस रिजल्ट के अंदर ही, मैं एक अंदाजा सा आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है, कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं कुछ नहीं करते हैं, परंतु मैं सिर्फ एक जनरल से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो ये तथा आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हाँ हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।